हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने को खाओ चैनल में, और मैं हूँ नदीम खान। दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी फ़ोटो में फेस चेंज कर सकते हैं, किसी भी दूसरे फ़ोटो में से चेहरा लेकर के किसी भी फ़ोटो पर लगा सकते हैं, लेकिन इसका आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। तो कैसे आपको ये फ़ोटो बनाना है वो आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन चाहिए होंगे, पहला है ब्यूटी प्लस और दूसरा पिकसार्ट ऐप। दोनों का डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको पिकसार्ट ऐप को ओपन कर लेना है, प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है, ऑल पर क्लिक करना है, सेंड पर क्लिक कर देना है। तो आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं। तो हम उस फोटो को ले लेते हैं। तो ये लड़की का फोटो मैंने जो है ले लिया है। तो इस लड़की के फोटो पर मुझे दूसरा चेहरा लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐड फोटो पर, फिर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। अब हमें उस लड़की का फोटो लेना है जिसका भी हमें चेहरा जो है यूज़ करना है। तो हम ये दूसरा फोटो ले लेते हैं। तो इस लड़की का चेहरा जो है, ये चेहरा उठा करके मुझे इस पर लगाना है, लेकिन इसमें उसमें बहुत डिफरेंस है। इसका चेहरे का कलर अलग है, इसका चेहरे का कलर अलग है। अगर हम इसको ऐसे ही लगाएंगे तो वो अलग अलग दिखेगा और बिल्कुल पहचान हो जाएगी कि चेहरा चेंज किया हुआ है। तो हमें इन दोनों की जो है चेहरे का स्किन का कलर बिल्कुल एक जैसा करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ब्यूटी प्लस एप्लीकेशन। तो आपको ब्यूटी प्लस ऐप ओपन कर लेना है, फोटो एडिटर पर क्लिक करना है, और आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें चेहरा है, एडिट फोटो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको टोन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ये चेहरे का कलर है कि आपको चेहरे का कलर कैसा रखना है। तो आपको बिल्कुल डार्क कर लेना है, या फिर पीला थोड़ा है दूसरा फोटो और पीला है तो आपको पीला कर लेना है, दूसरा फोटो का ज़्यादा गोरा है तो आपको गोरा कर लेना है। तो वो थोड़ा जो है काला काला सा है, थोड़ा डार्क कलर है तो डार्क कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखते हैं मिला करके, अब मिल रहा नहीं मिल रहा है, अभी भी थोड़ा फ़र्क है। तो इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, एक बार टोन पर क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा और डार्क इसको कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब जो है इसका स्किन और उसका स्किन जो है थोड़ा एक जैसा हो चुका है, अब ये काम कर जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो वापस हमें पिक्सआर्ट में आ जाना है। तो इस फ़ोटो को हटा देते हैं क्योंकि इसका अब काम नहीं रहा है, दूसरा फ़ोटो लगाते हैं जो कि अभी हमने लिया है, इसका चेहरा हमने थोड़ा चेंज कर लिया है। ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है, ये वो फोटो आ गया जिसका अभी चेहरे का कलर थोड़ा चेंज किया है। देख सकते हैं थोड़ा चेहरे का कलर मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, अब कटआउट पर जो है क्लिक करना है। अब यहाँ पर चेहरे पर सिर्फ एक बार इस तरीके से कर देना है और नेक्स्ट कर देना है, थोड़ा जूम आउट कर देना है इस तरीके से, और आपको पूरा चेहरा जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको चेहरे को जो है इस तरीके से पेंट कर देना है। थोड़ा अगर इधर उधर अगर हो जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, बाहर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपको काटने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। इसको आप थोड़ा जो है अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसको आप मिटा भी सकते हैं। अगर आप इसका थोड़ा साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं जो ब्रश चल रहा है, तो यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो ब्रश साइज़ होता है मिटाने का या फिर पेंट करने का। उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर लेना है, जिस फोटो का इसका एंगल जैसा तिरछा तिरछा है थोड़ा, इस तरीके से हमें इस वाली फ़ोटो को भी तिरछा रखना है। लेकिन इस फोटो में अभी साइड से बहुत सारी फालतू की चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि बाल वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा इनको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा हमें इरेज कर देना है, ओके कर देते हैं यहाँ पर। अभी वीडियो आपको पूरा देखना है तभी जो बिल्कुल इसमें चेहरा फिट हो पाएगा, चेहरा जो है एक जैसा इनका कलर करना है बाद में, नहीं तो जो ये अलग अलग रह जाएगा, चेहरा अलग होगा और गर्दन का कलर अलग दिखता रहेगा। तो देख सकते हैं फोटो जो है सेट हो चुका सही तरीके से। अभी यहाँ पर क्या करना है, इस इरेजर पर क्लिक करना है, थोड़ा थोड़ा साइड से इस तरीके से यहाँ पर हटा देना है, क्योंकि कुछ बाल जो है दब जाते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो जो ऊपर से आपने चेहरा लगाया है वो साइड से हट जाएगा हल्का हल्का, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से घुमा देना है ताकि यहाँ पर जो थोड़ा फालतू इधर उधर निकला हुआ हो सही से हो जाए, साफ हो जाएगा और अच्छे तरीके से ये सेटिंग हो जाएगा। चारों तरफ आपको घुमा देना है, जो बाहर से चेहरा आपने लगाया था दूसरा वाला वो हल्का हल्का हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आपको सेव पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, और क्लिक करेंगे तो गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका फ़ोटो गैलरी में सेव होकर के आ जाएगा। लेकिन अब इसमें जो है चेहरे का कलर अलग है, दाग धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, तो हमें इसको ठीक करना है। तो अब हमें ब्यूटी प्लस ऐप को ओपन करना है, फ़ोटो एडिटर पर क्लिक करना है, और उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी अभी बनाया है। तो पिक्सआर्ट फोल्डर में वो फ़ोटो मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है, एडिट फोटो पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं अभी चेहरा इसका साफ नहीं है, तो आपको HD रिटच पर क्लिक करना है। तो पहली बार आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट लिख करके आएगा, तो आप स्टार्ट कर देंगे तभी ये काम करने लगेगा।
तो देख सकते हैं बिल्कुल चेहरा एक जैसा हो गया, काफ़ी खूबसूरत चेहरा लगने लगा है। अगर आप इसको थोड़ा कम बढ़ती करना चाहते हैं, देख सकते हैं ये लोकल चेहरा था पहले, अभी इस तरीके से हो गया, ब्यूटी हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, अगर आपको स्किन का कलर लाइट डार्क करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसा भी गोरा है काला है जैसा भी रखना हो स्किन का कलर वैसा आप रख सकते हैं। तो हमें गोरा रखना है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करना है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी एडिटिंग हो जाएगी। तो फोटो सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपका फोटो सेव हो जाएगा और आपकी गैलरी में, फाइल मैनेजर में, हर जगह पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल फोटो है और ये फोटो चेहरा चेंज किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।